नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले 6 महीने में देखोगे तो दिल्ली की जो समस्या है, कई सारी दिल्ली की समस्याएं जो हैं वो उभर करके आपके सामने आई हैं। और यही समस्याएं जब सारी एक साथ जुड़ जाती हैं तो मिल करके ये इंसान की जान पर बन के चली आती है। और यही इसीलिए इसी का एक नमूना भी आपने रिसेंटली देखा होगा, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत बड़ी घटना घटी जहाँ पर एक कोचिंग के बेसमेंट में 4 छात्रों ने सिर्फ इसी वजह से, इसी इग्नोरेंस की वजह से अपनी जान गंवा दी। अच्छा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद जो लोग दिल्ली में नहीं रहते होंगे या जिनका कभी दिल्ली बहुत जाना नहीं होगा या उनका कोई जानने वाला शायद ना हो, मतलब जो दिल्ली से बहुत वेल वर्स नहीं होंगे, उनको लग रहा होगा क्या हो गया, बारिश होती है तो बारिश में तो ऐसी घटनाएं होंगी, जलभराव तो होगा ही बारिश में, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड बिल्कुल नहीं है। अब जब इस वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा, आप इस वीडियो को पूरी देखना जरूर से, जब मैं इस वीडियो को पूरी कंप्लीट कर लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इग्नोरेंस की वजह से कई सारी समस्याएं आपस में मिल करके इंसान की जान पर बनाती है। और ये जो जितनी इतनी घटनाएं जहां पर एक पटेल नगर में स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी डेथ होती है, ये सब कोई भी घटना एक्ट ऑफ गॉड बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की इग्नोरेंस है, हमारी इग्नोरेंस है। मैं इसमें खुद की भी, सिटीजंस की भी अपनी बहुत बड़ी गलती मानूंगा, ये हमारी भी बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। तो इसीलिए जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी, आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रोटेस्ट की बहुत आवश्यकता थी। और यूपीएससी का छात्र, जितने भी छात्र ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप याद रखिएगा इतिहास है यूपीएससी का कि ये लोग आंदोलन जीवी टाइप लोग नहीं है, ये हमेशा प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, इन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। ये छात्र बेचारे चुपचाप पढ़ते रहते हैं, छात्र छात्राएं, कोई भी एक भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर आएंगे आप देखेंगे सड़कों पे 100-150, 200-200 की मात्रा में बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई न्यूसेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इतिहास रहा यूपीएससी के बच्चों का। अब वो बच्चे अगर बाध्य होकर के सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब सिचुएशन बहुत ग्रेव है। और इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं तो। चलो, दिल्ली में रहते हैं वो तो जानते ही हैं। अब दिल्ली में कई सारी समस्याएं, जैसे सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आई वो पहली समस्या थी कि जबरदस्त क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव शुरू हुई और हीट वेव की वजह से दिल्ली में बहुत जबरदस्त टेम्परेचर राइज हुआ। इस बार जो हाईएस्ट टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला गया। तो भीषण गर्मी की वजह से आपने सुना होगा कि कई सारे मार्केट्स में आग लगी दिल्ली के, चाहे आप चांदनी चौक मार्केट की बात कर लीजिए, जबरदस्त आग वहां पर लगी, कई सारी दुकानें वहां पर जल गई। उसके बाद करोलबाग मार्केट की बात कर लीजिए, जबरदस्त आग लगी, हर दिन न्यूज में आता था कि एक बिल्डिंग से दो बिल्डिंग जो है यहां पर जल जा रही हैं। तो ऐसी आग लगने की घटनाएं आम बात हुई। तो जब ये आग लगी तब जाकर के दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि इस आग के कारण जो था वो बहुत ज्यादा लोड जो पड़ रहा है बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग में समझ लीजिए कि एक MCV है दिल्ली, एक मतलब एक वो कनेक्शन खींचा हुआ है, और उस बिल्डिंग में कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें 4-4 दुकानें चल रही हैं और हर दुकान जो है बड़ी दुकान है, तो उसमें अगर 2 AC भी हैं तो एक बिल्डिंग में 8 AC है। और ऐसा सिर्फ यहाँ पर मैं एक मार्केट की बात नहीं है, आप चांदनी चौक मार्केट चले जाइए यही हालत है, आप सदर बाजार चले जाइए यही हालत है, आप करोलबाग मार्केट चले जाइए यही हालत है, मतलब आप ऑलमोस्ट सरोजनी नगर चले जाइए यही हालात है, मतलब ऑलमोस्ट हर मार्केट की स्थिति यही है कि वो बिल्डिंग्स हैं एकदम पुरानी बिल्डिंग्स हैं और जर्जर हालात में है, 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग्स, उसमें 4-4, 5-5 दुकानें चल रही हैं, उस बिल्डिंग से कभी रिनोवेशन नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर बहुत तार जा रहे हैं, किधर से कौन सा तार जा रहा है किसी को समझ में नहीं आता है, और वहाँ पर बहुत लोड के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जो मतलब आग लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए आग लगती भी है। तो ये पहली समस्या दिल्ली के सामने आई जब गर्मी पड़ी। अब गर्मी खत्म हुई तो ये समस्या साइड हुई, दूसरी समस्या दिल्ली के सामने आन पड़ी। एक टाइम ऐसा होता है दिल्ली में जब पानी ही नहीं होता है, पानी की जबरदस्त कमी, टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है लोगों तक, इतना पानी नहीं होता है। और दूसरा जब समस्या आती है, मॉनसून जब आता है तो इतना पानी हो जाता है कि आदमी के पास पीने को तो पानी रहता ही है, बाहर चला जाएगा तो उसके लिए एकदम सीवेज का पानी उसका इंतजार करता है। अगर आप देखोगे तो दिल्ली में अगर घंटे दो घंटे बारिश हो जाए मॉनसून में, घंटे दो घंटे की बात कर रहा हूँ, घंटे दो घंटे भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, आधे घंटे एक घंटे बारिश हो जाए तो दिल्ली के कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इतना 4-4 फीट देखो आप पूरी बाइक यहां पर डूब गई है, 4-4 फीट 5-5 फीट पानी भरना तो बहुत आम बात है दिल्ली में। और जहां पर ये 4 बच्चों की डेथ हुई है, जो ये राउस आई स्टडी सर्कल की बिल्डिंग थी उसके सामने जो डोमिनोज वाली बिल्डिंग थी, यहां पर एग्जैक्टली अगर आधा घंटा तो बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, 20-25 मिनट बारिश हो जाए तो कम से कम यहां पर 5-5 फीट पानी भर जाता था, पूरी पूरी कार डूब जाती थी इसमें, इस तरीके की स्थिति। अगर सिडैन गाड़ी आपकी तो डूबना निश्चित है वहां पर, अगर आपने वहां पर अपनी सिडैन गाड़ी खड़ी कर दी है, वहां पर अपनी बाइक स्कूटी आपने खड़ी कर दी है तो वो पूरा डूब जाएगा। 5-5, 6-6 फीट पानी भरना तो वहां पर आम बात थी उस पूरे एरिया में, और वो क्यों होता था उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। तो ये दूसरी समस्या है दिल्ली की, और ये सारी समस्याएं जब एक साथ मिलती हैं
तो फिर वो बहुत फेटल हो जाता है ह्यूमन के लिए। और वो कैसे फेटल होता है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज तो हम इस वीडियो में जल भराव के ऊपर बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में इतना पानी भरता क्यों है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है। तो उसको भी आप समझिए, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है और एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जल भराव की जब हम बात करते हैं, ऐसे जल भराव जब होते हैं तो इससे कई सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो दिल्ली में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना सुन ली, चार बच्चों की वहाँ जान चली गई, रूफ कोलैप्स हुआ इसी वजह से, दिल्ली एयरपोर्ट का रूफ कोलैप्स हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता होगा, रूफ कोलैप्स हुआ जिसमें एक कैब ड्राइवर के ऊपर गिर गया और उस कैब ड्राइवर की उसमें डेथ हो जाती है। यहाँ पर यह घटना हुई। उसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो की जो पटरियाँ हैं उस पर पानी चला गया था, यमुना बैंक के पास ये घटना हुई थी, तो मेट्रो स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से, तो ये प्रॉब्लम हुई। अंडरपास की तो तस्वीरें मैं आपको दिखा ही रहा था कि अंडरपास तो भरना निश्चित है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और ऐसे कम से कम 40-50% एरिया ऐसे हैं पूरे दिल्ली के, 50 से ज़्यादा ही एरिया ऐसे हैं दिल्ली के जो जहाँ पर पूरी तरीके से जल भरा होता है। दिल्ली का सबसे पॉश इलाकों में आता है ये ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, यहाँ पर जबरदस्त पानी भरता है। पटेल नगर में जबरदस्त पानी भरता है। आगे आप चले जाइए ब्रिटानिया फ्लाईओवर, वो पंजाबी बाग वाला एरिया, वहाँ पर पानी भरता है। ब्रिटानिया फ्लाईओवर के नीचे वो शकुरपुर वाला एरिया, उसके आगे ITO, उसके आगे इंद्रप्रस्थ, हर जगह पर यह जल भराव आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पर यह समस्या है। अब यह समस्या क्यों है, जल भराव क्यों होता है, तो सबसे पहले जहां पर सबसे बड़ी घटना ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी है वहां का एग्जांपल उठाते हैं कि वहां पर जल भराव क्यों होता है। वो खास तौर से ये डोमिनोज की आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है और ये डोमिनोज की बिल्डिंग के सामने राउज आई स्टडी सर्कल की बिल्डिंग दिख रही है, वहां पर इतना पानी क्यों भर जाता है। आप आगे जाएंगे तो आपको नॉर्मल सड़क मिलेगी, पानी उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी जमा होगा, उतना पानी नहीं मिला होगा कि 4-4 फीट 5-5 फीट तक पानी जम जाए। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली पानी क्यों जम जाता है इसके कारण आपको आप समझिएगा। अब यहां पर क्या है ना कि ये देखो, MCD ने जब अपने एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई इस पूरी घटना के बाद, तो वहां पर जो ये स्लाइड्स बने हुए थे, इन बिल्डिंग्स के स्लाइड जिस पे गाड़ी चढ़ाई जाती है, उतारी जाती है, वो स्लाइड्स को जब तोड़ा गया तो पता लगा कि नीचे नालियां बनी हुई हैं। और ये नालियां क्यों बनी हुई थी, तो MCD ऑफिशियल ने बताया कि साहब ये नालियां इसीलिए बनी थी कि अगर बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो नीचे कैसे जाएगा आखिर, तो वो इन्हीं नालियों के जरिए वो नीचे जाएगा, तो इसीलिए नालियां बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये बिल्डिंग मालिकों ने और जो भी कोचिंग मालिक हैं उन्होंने क्या किया कि इस नाली को पूरी तरीके से कवर कर दिया और ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी अपनी चलाते थे। जब MCD ऑफिसर से पूछा गया कि आप लोग आते क्यों नहीं थे, ये नोटिस क्यों नहीं देते थे कि भाई ये नालियां नहीं हटाओगे तो बारिश का पानी जाएगा कैसे नीचे, तो कहा कि हम आते थे लेकिन जब हम जाते थे तो यहाँ पर ये लोग गुंडागर्दी करके, ऑन कैमरा ये बात कही MCD ऑफिसर ने कि हमको यहाँ पर ऊपर से फ़ोन करवाया जाता था, धमकी दिलवाई जाती थी, तो हम चले जाते थे नोटिस को चिपका करके, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। तो इसको जब तोड़ा गया तो यहाँ पर नालियाँ मिली और इसी नाली को जब आप कवर कर दिया है कोचिंग मालिक्स ने और जो भी ये बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया है, तो इसमें पानी अंदर जाएगा कैसे, और इसीलिए यहां पर आधे घंटे की बारिश से भी पूरा 4-4 फुट 5-5 फुट वहां पर पानी जम जाता था। तो ये ओल्ड राजेंद्र नगर की सबसे बेसिक कारण है जिस वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना पानी जमता था, जहां पर इसी पानी जमाव, इसी जल भराव की वजह से अराउज आया स्टडी सर्कल में इतनी बड़ी घटना हो गई। तो अब आप बताइए, क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्या ये बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं है ह्यूमन का, क्या ये ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस का इग्नोरेंस नहीं है ये जो हमने किया है, ये जो पूरा काम हुआ है यहाँ पर। और MCD ने जब इसको तोड़ा है तब जाकर के वहाँ पता चला कि यहाँ पर तो नाली थी यार, इसको जब ढकी दोगे तो पानी अंदर जाएगा कैसे, तो बेसिक कॉमन सेंस है। ये पहली रीजन्स है, ये पहला प्रॉब्लम है दिल्ली का। दूसरा समस्या समझते हैं, जल भराव की समस्या दूसरी जो समस्या है वो क्या है। अब दिल्ली के खुद LG का कहना है, ये सक्सेना साहब का, कि दिल्ली के कम से कम 50-60% एरिए ऐसे हैं जो कि बुरी तरीके से अनप्लान्ड हैं और वो प्लान्ड नहीं हुए हैं, और इस वजह से क्या है कि वहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है। अनप्लान्ड होने की वजह से क्या है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अब वो कैसे भी बस गए हैं वो एरियाज, बहुत सारे एरिया का नाम उन्होंने लिया, इसमें जहांगीरपुरी है, सीलमपुरी है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो इसी तरीके से, लक्ष्मी नगर है, सब अनप्लान्ड तरीके से बसे हुए हैं। तो अनप्लान्ड तरीके से बसे होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि बहुत पतली पतली नालियाँ हैं और वो नालियाँ भी आगे चल करके ब्लॉक्ड हैं, उनके पास कहीं फ्लो करने का रास्ता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर अक्सर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो वहाँ पर रोड्स पर वो पानी आ जाता है, जल भराव हो जाता है। तो अनप्लान्ड दिल्ली होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे चंडीगढ़ आप देखोगे तो चंडीगढ़ बहुत प्लान्ड सिटी है, तो वहाँ पर पानी नहीं लगता है। हालांकि अब चंडीगढ़ में ही पानी लगता है कई सारे एरियाज़ में, मतलब मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट ऑफ गॉड बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर प्रशासन की इग्नोरेंस की वजह से चंडीगढ़ में भी कई एरिया में पानी लग जाता है,
ये बात आप मतलब नोट कर लीजिए, जबकि चंडीगढ़ प्लान सिटी है, तो दिल्ली तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो अनप्लान्ड है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, और उसकी वजह से पानी लग जाता है। दूसरा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो हमारी गलती है, हमारी और आपकी गलती है, और उसमें प्रशासन की भी गलती है। वो गलती ये है कि जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है भी प्रॉपर, अगर ड्रेनेज सिस्टम है भी तो अनप्लान्ड एरिया, एक तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, अगर जो थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम है भी तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम प्लास्टिक वेस्ट को सीधा नालियों में फेंक देते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, उन प्लास्टिक वेस्ट की वजह से क्या होता है कि वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से जो सीवर्स हैं वो पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं। और ये चीज़ उजागर ओल्ड राजिंदर नगर वाले इंसिडेंट में भी हुई, जो बाथरूम से जो सीवर था वो बैकफ्लो मार गया, जिसकी वजह से 2-3 मिनट में उस पूरे बेसमेंट में 6-6 फीट पानी भर गया, और इसी सीवर्स के ब्लैक फ्लो की वजह से ये कारण हुआ। जो सामने से पानी आया वो तो बाद में आया, लेकिन पहले वो सीवर ब्लैक फ्लो मार गया, जिसकी वजह से पूरा वो बेसमेंट जल्दी से भर गया। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि वो बच्चे जो उस लाइब्रेरी में उस समय मौजूद थे वो वहाँ पर फंस गए हैं। तो ये प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जा करके सीवर्स में ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके लिए पानी फ्लो नहीं हो पाता है, और इन सीवर्स को 2-2, 3-3 साल तक साफ भी नहीं किया जाता है। ये शायद हर इलेक्शन का टाइम जब होता है तभी जा करके सीवर्स जो है वो साफ होते हैं, और ये समस्या करोलबाग में भी जबरदस्त तरीके से है। करोलबाग में सीवर पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, इसीलिए थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हर एरिया में पानी भर जाता है। जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है भी वहाँ भी पानी इसलिए भर जाता है क्योंकि सीवर्स ब्लॉक्ड हैं, और इसकी सफाई के लिए रेसिडेंट्स कई बार जा चुके हैं, कई बार कोर्ट के पास जा चुके हैं, कई बार काउंसलर्स के पास जा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये सीवर्स ब्लैक फ्लो मारते हैं और पूरा पानी जो है वो दिल्ली में भर जाता है। तो ये तीसरा कारण है। अब ये कारण क्यों है, अब ये कारण की वजह से होता क्या है, और कैसे ये सारे चीज़ें मिल करके एक पूरा बलून बन जाता है, और जब वो बलून फटता है तो ह्यूमन लाइफ पर आ बनती है। आप समझिएगा कि ऐसे तो पानी भरा, पटेल नगर की आपने घटना सुनी कि एक छात्र के इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई, इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ नहीं हुई, वो डेथ हमारी इग्नोरेंस से हुई। अब क्या होता है कि जब पूरा पानी जल भरा होता है तो दिल्ली में तीसरी समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये माया जाल, दिल्ली का माया जाल कहते हैं इसको। अब मैं अब दिल्ली में कम से कम 15 सालों से हूँ, और जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था तब जो चुनाव हो रहे थे उस समय दिल्ली में, जब मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली में जामिया कॉलेज में हुआ था, उसके पास में चुनाव हो रहे थे उस समय पर, तो वहाँ पर पता वहाँ पे उस टाइम का मुद्दा ये था कि दिल्ली में जो इतनी आप माया जाल देख रहे हैं दिल्ली का, ये सारी वायर्स जो हैं इधर उधर कुछ नहीं पता है, मतलब बिजली डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाएं वो भी नहीं पता कर पाए कि वायर्स कहाँ जा रहे हैं, कौन सी वायर कहाँ जा रही है, इतना भयंकर वायर है यहाँ पर। शायद आपके शहर में नहीं होगा इतना बड़ा, शायद इंडिया के मोस्ट ऑफ द शहरों में नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है एक। और ये वायर क्या होता है कि टूट जाते हैं और उसकी वजह से करंट दौड़ जाता है, वो गेट में करंट दौड़ गया, उस छात्र की स्थिति में डेथ हो गई। तो उस समय इलेक्शन का ये मुद्दा था कि इन वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाए, इन वायर्स को इंसुलेट किया जाए, ये सारे मुद्दे थे उस समय के, और आज भी हालात यही है, ऐसे ही वायर्स आपको देखने को मिलेंगे पटेल नगर की गलियों में, ओल्ड राजिंदर नगर की गलियों में, जामिया के आसपास का जो एरिया उसकी गलियों में, डीयू यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में यही हालात हैं। जहां पर भी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं, वहां पर यही हालात आपको मिलेंगे। आज तक ये वायर्स जो है वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाए, तो ये सारी समस्याएं मिलती हैं, एक बलून बनता है और वो बलून जब फूटता है तो ह्यूमन के जान पर बात आ बनती है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में दिल्ली में हैं क्यों, आप समझिएगा कि मैंने आपको बताई दिया कि जर्जर बिल्डिंग्स हैं। अब दिल्ली का जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, जल भराव की जो समस्या है, पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो सिर्फ 50 mm की जो रेनफॉल है, 50 mm की बहुत कम रेनफॉल होती है, वो सिर्फ 50 mm पर डे की, जो ये पर डे का डेटा है, तो 50 mm पर डे की जो रेनफॉल है उसको झेलने के लिए दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसके लिए काबिल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो कहते हैं कि कम से कम 250 mm का रेनफॉल अगर रोज हो जाए तो उसको झेलने की क्षमता किसी भी शहर के पास होनी चाहिए, ये कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 100 mm रेनफॉल तक को झेलने की बात करते हैं। नॉर्मल शहर आपको देखने को मिलते हैं 80 mm से 100 mm तक बारिश होती है तो आपका शहर ठीक रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गई, 120 mm भी हो गई तो पूरा जल भरा हो जाता है। तो दिल्ली का ये 50 mm का रेनफॉल झेलने की क्षमता है दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के पास, और ये दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है कम से कम मतलब 500 साल पुराना ये ड्रेनेज सिस्टम है, 1976 का ये ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी दिल्ली के अंदर में चल रहा है। तो दिल्ली की सरकार ने, यहाँ पर कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को आदेश दिया था कि साहब आप नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जनसंख्या है दिल्ली की और ये पुराने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है ये चल नहीं पाएगा दिल्ली में, और अगर ये चलाया आपने तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएँ हो सकती है दिल्ली के अंदर में,
और वो घटनाएं अब होने भी लग गई हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि कई सारे लोग इसके लिए कोर्ट भी गए थे कि भाई 1976 का ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, आप नया ड्रेनेज मास्टर प्लान क्यों नहीं बना के तैयार कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसमें क्या किया था कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इसमें नोडल एजेंसी बनाया था कि साहब आप एक नया ड्रेनेज प्लान तैयार करिए। और ये कब बनाया था, 10 साल, आज से 10 साल पहले ये नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया गया था कि एक नया ड्रेनेज प्लान आपके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन ये ड्रेनेज प्लान के लिए तैयार करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी की नोडल एजेंसी थी उसमें जो कंसल्टिंग मेंबर था वो सिर्फ एक मेंबर अपॉइंट किया गया, एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया जिसको ये पूरा ड्राफ्ट बना करके तैयार करना था। तभी तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो इतनी वीक हो जाती है। अब एक मेंबर पूरे दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान को जब तैयार करेगा तो आप समझ जाइए उसमें क्या स्थिति होगी। तो वो खैर वो मास्टर प्लान तो मास्टर प्लान ही रह गया, वो मास्टर के पास ही रह गया प्लान, तो वहां पर रह गया और ये मास्टर प्लान बन करके तैयार है लेकिन ये पास ही नहीं हो पाया, ये दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं हो पाया मास्टर प्लान और ये बन करके बस रखा हुआ है और इसको शायद इसको स्मारक इसका बनाया जाएगा इस मास्टर प्लान का, तो वो कभी लागू नहीं हो पाया और इसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके बहुत ख़राब हालात हैं। अब ड्रेनेज के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं जिससे हम कोसों दूर हैं अभी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए हर शहर में, चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा कि एक तो ड्रेनेज होना चाहिए सीवेज के लिए, जो डे टू डे सीवेज का फ्लो हो रहा है उसके लिए एक अलग ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो स्टॉर्म वाटर के लिए होना चाहिए, मतलब कि वो रेन वाटर अगर बारिश होती है तो वो बारिश के पानी को फ्लो कराने के लिए दूसरा वाला ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। अब दो तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, एक ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सिर्फ 50 mm की बारिश और वो भी सीवर के साथ 50 mm की बारिश को झेल सकता है क्योंकि सीवर ही इतना ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि क्लॉग्ड पाइप्स रहती हैं वो प्लास्टिक की वजह से जमा रहता है, तो सीवर ही पूरा भरा हुआ चलता है उसमें 50 mm की बारिश हो जाए तो वो बाहर आउटफ्लो हो जाता है। ये समस्या है दिल्ली की और इस समस्या को सिर्फ एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि दिल्ली का जो नया मास्टर ड्रेनेज मास्टर प्लान है उसको लागू किया जाए और साल दो साल में उसको बना करके तैयार किया जाए, तब जा करके ऐसी घटनाएं जो आपको देखने को मिल रही है घटनाएं रुक पाएंगी। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अपने डिमांड में रख सकते हैं चीज़ को कि आपको ये चीज़ अपनी प्रमुखता से डिमांड, सबसे पहली डिमांड ही यही होनी चाहिए कि हमें इस पूरे एरिया में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है दिल्ली का जो बन रहा है या बन चुका है जो भी जिस भी स्थिति में है जो कोर्ट ने कहा था उसको लागू करिए आप साल दो साल में, क्योंकि सरकार के पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो बिल्कुल अगर वो हाईवे बना सकते हैं 3 महीने में तो क्या पूरा दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकते हैं साल दो साल में, बहुत टाइम होता है साल दो साल का, बिल्कुल बना सकते हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया आज उस लेवल पर पहुंच चुका है कि बिल्कुल ये काम को कर सकता है। तो यहां पर ये डिमांड होनी चाहिए कि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर तरीके से ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसके मान के ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाने चाहिए, उन एरियाज में भी बनाने चाहिए जो अनप्लान्ड एरियाज हैं, उन एरियाज के लिए भी काम करना चाहिए। जो प्लान्ड एरियाज हैं वहां पर तो वैसे भी सब कुछ ठीक है, अनप्लान्ड एरियाज में आपको ये सब काम करना चाहिए ताकि वहां के लोग भी एक प्रॉपर लाइफ जी पाए, वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में ना रहे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, दिल्ली की जल की समस्या क्यों होती है, उसका कारण क्या है, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, उसके सॉल्यूशन क्या है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अन अकेडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी ने अब आपके लिए राहें और ज़्यादा आसान कर दी हैं। अन अकेडमी यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस थी अन अकेडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और जो हमारी 15 मंथ का जो कोर्स है जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। और इस कोर्स में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टी जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी और इसमें 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी है। अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे गए हैं। उसके अलावा जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका सबका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 2025 का जो हमारा ये बैच है इसमें सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 के कोर्स में। सारे मीडियम्स में हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो नया बैच आ रहा है उसी के अंतर्गत एक हमारा मंजिल बैच 2025 आ रहा है जो कि कल यानी कि July 31st से स्टार्ट है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उस डिस्काउंटेड प्राइस पर और यूपीएससी सीएससी की 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, दिल्ली की जो जल की समस्या है वो समझ में आ गई होगी और ये जल की समस्या एक्ट ऑफ गॉड क्यों नहीं है ये बात बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आज जो बच्चे बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर शायद आपकी सहानुभूति उनके साथ में होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।